नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्येंदु मंडोल मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं सोमवार के लिए मतलब 23 मार्च 2020 के लिए मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन डायरेक्शन प्रेडिक्ट करने का कोशिश करूँगा। और इसमें मैंने निफ्टी का चार्ट एनालिसिस करूँगा और ऑप्शन चेन वाइस निफ्टी का वेरियस लेवल्स आप लोग को सामने ले आऊँगा। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। इसका एंड में निफ्टी और बैंक निफ्टी के बाद उसके मैंने जो बाइस लेवल्स रेगुलर बेसिस पे देता हूँ वो पहले भी मैंने दिया था, लेकिन उसमें साउंड इफेक्ट नहीं आया था। तो इसीलिए मैंने इसके साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी के साथ मैंने बाइस लेवल्स भी आप लोग को प्रोवाइड करूँगा। तो वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आप लोग को रेगुलर बेसिस पर मिल जाएगा। बहुत सारा चार्ट का सेटअप साइड स्ट्रेटेजी साइड टेक्निक्स है जो आप लोग को स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए बहुत ही आसान रहेगा और आप लोग प्रॉफिट कमा सकते हैं। और मैंने जो बाइस लेवल कम स्किनर बनाया और उसी का इसमें आप लोग इसमें क्या क्या है और कैसे इसको स्क्रीनिंग करना है ये वीडियोस भी आप लोग इसका वीडियोस भी आप लोग देख लीजिएगा। इसका यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। तो इसमें वो भी आप लोग को ये फाइल इस्तेमाल करके कैसे आप लोग आसानी से प्रॉफिट कमा सकता है। तो इसमें इतना सारा वेरियस लेवल्स है कि तो और आप लोग को स्टॉक चुनने का इतना सारा ऑप्शन है। तो स्टॉक्स चुनने का और निफ्टी बाय निफ्टी भी आप लोग कर सकते हैं, कमोडिटी भी कर सकते हैं। तो इसका कैसे इस्तेमाल करके आप लोग स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट कमा सकता है वो भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। तो मैंने पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी को देखता हूँ। निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस पहले देखिए। मैंने निफ्टी का डेली चार्ट ओपन किया हूँ। ये एक स्ट्रांग बुलिश मतलब एक बुलिश कैंडल बना है तो इसमें लास्ट डे में और इसका थोड़ा सा रिटेस्ट जितना ये गिरा था थोड़ा सा रिटेस्ट किया है। ये नहीं कह जा सकता कि एटलीस्ट तो 12,403 का तो लास्ट मैंने इसका हाई था और 7,832 को क्लोज था तो मतलब लो था। तो इतना तो इसका तो ज़्यादा नहीं मतलब रिटेस्ट नहीं कर पाया। तो मैंने लास्ट डे से मतलब लास्ट जो गिरा था 13 मार्च में जो सर्किट लगा था उधर से भी सब करूँगा। तो ये 10,159 इसका हाई था और अभी लो हुआ है 7,832 मतलब जो 2000 का जो मतलब 2300 ऐसा कुछ जो है तो उसका थोड़ा सा ही रिटेस्ट कर पाया 8,745 या 8,883 तक ये हाई दिया है तो थोड़ा सा ही रिटेस्ट कर पाया। तो लेकिन कुछ लेवल्स ब्रेक किया है, सोच लीजिए 8255 8500 का लेवल और 8668 का लेवल भी ये ब्रेक किया है। इसके बाद 8734 का लेवल भी ब्रेक किया है तो लगता है ये थोड़ा सा रिट्रेसमेंट तो जरूर किया है और थोड़ा सा जाएगा तो जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो R1 ये ब्रेक किया है, R1 के ऊपर क्लोज किया है तो R2 के पास जाने का प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा बनता है। तो 8966 के पास ये जाने का प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है और 92 ये इसके बाद ये 9357 का जो है वो भी इस जा सकता है। तो क्यों जा सकता है उसमें बाद में आप लोग को बाई सेल लेवल्स भी दिखाऊंगा। बहुत सारा एंगल से मैंने बाई सेल लेवल्स बनाया वो भी आप लोग को दिखाऊंगा। मतलब बाई सेल लेवल्स मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया हूँ। तो इसमें देखिए इसमें ये जो चैनल है इसका ये जो इसमें दो चैनल रहता है तो इसमें देखिए इस चैनल का जो है तो इसमें ये पास्ट की तो ये जो ट्रेंड लाइन है ट्रेंड का तो नीचे है लेकिन थोड़ा सा ऊपर क्लोज दिया है। ये ट्रेंड शायद और भी थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो थोड़ा सा ट्रेंड ये एटलीस्ट वेरी शॉर्ट टर्म के लिए और वन डे के लिए या टू डे के लिए थोड़ा सा ये अप मूवमेंट दिखाएगा, रिटेस्ट होगा लेकिन उसके बाद फिर उधर से रिटेस्ट होकर नीचे आएगा। तो मार्केट में जब भी कुछ होता है तो साइकिल में चलता है आप लोग जानते हैं। तो जब ये अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड जा रहा था लेकिन इसका थोड़ा सा ये 50% एटलीस्ट रिटेस्ट होगा उसके बाद फिर से ये 75% नीचे गिरेगा उसके बाद फिर से थोड़ा सा ऊपर जाएगा उसके बाद 100% नीचे आएगा ऐसा करके मतलब
मार्केट में होता है। उसके बाद जब अप ट्रेंड चालू होगा तो उसके बाद वो थोड़ा सा वीकनेस होगा, उस ऐसे करके मतलब चलता है। तो उस सब बाद में डिस्कस करूँगा। अभी सपोर्ट डिस्कस के बारे में आप लोग देखिए, 8966 इसका 82 का आसपास आना चाहिए, उसके बाद 9355 तक तो आ सकता है। मतलब 8966 और 9356 के अंदर से ये रिटेस्ट पीस से हो सकता है। पर्टिकुलरली इसका जो 9158 का जो रेशियो है ये बहुत ही अच्छा, मतलब इसका बन सकता है। ये जो 8669 से 9158 का जो रीजन है ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रीजन होता है। और देखिए नीचे वाला जो सपोर्ट पड़ेगा बनेगा 7872, 7460, 71 और 29 ऐसे इसका मतलब इसका सपोर्ट है। और इधर सिक्स उसके बाद 6854, 6842 ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 6842, 5137 तक आने का पॉसिबिलिटी बहुत ही अच्छा रहता है। उसके बाद और भी जा सकता है, 4354 भी आ सकता है। और इसका सीनरियो मतलब वीकली और मंथली चार्ट में भी देखना चाहिए, क्योंकि उधर से जो स्विंग है या स्विंग लो बनता है तो उसको देख के पता चलेगा कि ये कितना रिट्रेस हो सकता है और कितना लेवल में। सोच लीजिए पहले वाला जो स्विंग है या स्विंग लो बना था तो उसी का हिसाब से इसका प्रोबेबिलिटी बनेगा कि ये कितना दूर तक ये रिट्रेस हो सकता है और कितना दूर तक ये नीचे गिर सकता है। तो उसका जो सपोर्ट रेजिस्टेंस वेक करता है तो उसका मतलब हम लोग को पता चलता है कि ये कितना दूर तक गया है। देखिए इधर 7834 तक मतलब इस लेवल पे ये आ चुका था, इस लेवल पे। और भी इधर से नीचे जाऊंगा तो देखिए इस लेवल तक, लगभग इस लेवल तक इसका ये नीचे इधर जो आप लोग सपोर्ट को इसको देख सकता है। चार्ट को छोटा करना पड़ता है दोस्तों, लेकिन आप लोग को मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा देखने के लिए तकलीफ होता है, लेकिन फिर भी आप लोग को ये चार्ट नहीं छोटा करूँगा तो ये पूरा स्क्रीन में नहीं आएगा। तो देखिए 7 8 मतलब 7842 का लेवल, 7832 का लेवल तो आ चुका था, मतलब लगभग इस लेवल तक आ चुका था। तो रिटेस्ट कितना हुआ था देखते हैं, तो रिटेस्ट कौन सा लेवल पे हुआ है, इस लेवल पे जो इसका जो सपोर्ट है इसका 8711 ये 8745 के तक इसका आया था। तो चांसेस ये बनता है कि ये जो इस लेवल पर जो इसका जो रेजिस्टेंस है, ये इधर जो एक इधर एक सपोर्ट था, इधर एक रेजिस्टेंस था, तो इधर इधर से जो उसके बाद जो इसका स्विंग हाई इसका है, तो इसका जो स्विंग हाई है वो इतना इतना तक ये इसका ऊपर जब आया है, तो ये हाई प्रोबेबिलिटी है कि इसका 8745 में ये क्लोजिंग दिया है। तो इसका हाई प्रोबेबिलिटी बनता है कि ये नेक्स्ट स्विंग लो का आसपास जाएगा। तो 89 ये इतना तक मतलब 9026 या 8966 का जो लेवल है, और या 9026 या 9158 तक पकड़िए, इधर तक ये आ सकता है। तो इधर तक इसका आने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिखता है। तो उधर से फिर से रिटेस होकर नीचे आएगा, लेकिन वेरी शॉर्ट टर्म के लिए इतना दूर तक आता है आना चाहिए, क्योंकि ये इसका पिछले वाला स्विंग लो वीकली चार्ट के हिसाब से ये ब्रेक किया है। तो मंथली चार्ट में भी मैंने एक बार देख लेता हूँ मंथली चार्ट में क्या शो कर रहा है। तो मंथली चार्ट में भी कुछ सिनेरियो ऐसा ही शो करना चाहिए। देखिए इधर जो इधर तक इधर 8674 इधर आप लोग देख सकता है एक सपोर्ट, और ये इधर एक रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट बनता है। तो आप लोग हॉरिजॉन्टल लाइन आप लोग ड्रॉ करेंगे तो 8745 के ऊपर तो ये क्लोजिंग दिया है। तो इधर इधर से जब इधर ये जब 8745 के ऊपर जब क्लोजिंग दिया है तो इसका प्रोबेबिलिटी बनता है कि ये नेक्स्ट लेवल तक 89 इधर जो स्विंग हाई था
8966 इतना तक ये जरूर आएगा। उसके बाद इस लेवल का तक भी आने का प्रोबेबिलिटी है, 9165 का आने का प्रोबेबिलिटी है। उसके बाद ये 9316 तक भी आ सकता है, लेकिन इतना दूर तक आएगा नहीं रखता है। मैक्सिमम ये 9501 और 9501 और 9844 का लेवल से इसको फिर से रिट्रेस होकर नीचे आना चाहिए। तो देखना पड़ेगा क्या होता है। और बैंक निफ्टी का मैंने देखता हूँ चार्ट में, बैंक निफ्टी का चार्ट और इधर से अब लोग को थोड़ा सा टाइम के बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। देखिए इधर नहीं है, उसको उठा दिया, ठीक है नहीं है इसमें अभी तक। तो इधर देखिए, इधर तक क्लोजिंग हुआ हो गया 23 मार्च 10:45 के, ये जो 11:45 का 11:15 का बाद में थोड़ा सा इसका 11:15 का बाद में इसका तो कुछ आप लोग आप मूवमेंट देख सकता है। हो सकता है ये पहले ओपन होने के बाद ये ऊपर चला गया तो रिट्रेस होकर फिर नीचे आएगा, ऐसा हो सकता है। उसके बाद तो 24 मार्च आ जाता है, तो ऐसे ही इसके बाद में मैंने फिर से ये सब डिटेल्स में डिस्कस करूँगा। तो अभी फिलहाल इसको आप लोग को दिखा देता हूँ, और इसमें बैंक निफ्टी का डेली चार्ट ओपन करता हूँ। बैंक निफ्टी में भी कुछ बैंक निफ्टी में भी ये भी अपर ये जो अपर लेवल है चैनल का जो अपर लेवल है इसमें आकर रुक गया है। इसको ये लेवल को तक एटलीस्ट आना चाहिए 21,187, उसके बाद ये चैनल ब्रेक करेगा तो इसका ये चैनल तक थोड़ा सा जो आना चाहिए 22,290 तक, उसके बाद 23,500 तक आना चाहिए। इधर ये जस्ट पिवट पॉइंट का ऊपर ही जस्ट क्लोजिंग दिया है, इसका R1 के एटलीस्ट आसपास आना चाहिए, और इधर जो R1 के आसपास आना चाहिए। उसके बाद 22,000 का लेवल 22,290 और उसके बाद 23,500 का लेवल तक ये आ सकता है। और क्यों आ सकता है वो बाद में फिर ऐसे लेवल से भी आप लोग को दिखाऊंगा। इसका भी वीकली और मंथली चार्ट में कैसे ये इसका प्राइस एक्शन बना है वो भी हम लोग को देखना चाहिए। तो पिछले वाला जो प्राइस एक्शन हुआ था उसके उसी का हिसाब से ये तो मार्केट चलेगा, आप लोग भी जानता है। और कुछ भी आप लोग मतलब फंडामेंटल कुछ भी न्यूज़ होता है, कुछ भी होता है तो मार्केट इन प्राइस एक्शन से और साइकिल से चलता है। तो इसमें आप लोग को देख सकता है कि कितना दूर तक ये रिट्रेस हुआ था, 18,000 का आसपास ये इसका गिर चुका था। उसके बाद ये 20,000 का ऊपर क्लोजिंग दिया, 20,307 में का ऊपर ही ये जो जोन है, ये जो सपोर्ट का लेवल देखता है, रेजिस्टेंस का लेवल देखता है, इसका ऊपर एक क्लोजिंग दिया है। तो ये इसका हाई प्रोबेबिलिटी मानता है कि ये एटलीस्ट इसका ऊपर वाला जो लेवल है 21,181 का लेवल तक ये पहले आना चाहिए। इसके बाद फिर इसको ब्रेक करेगा तो इस लेवल को ब्रेक करने के बाद ये थोड़ा सा 22,000 का लेवल 22,867 का लेवल ब्रेक करेगा। उसके बाद 22,000 24,000 380, तो 22,467 से 23,000 24,830 इसका एक वेरी इंपॉर्टेंट जोन है। इधर बीच में 23,426 का जो लेवल है 23,500 ही पकड़ सकते हैं, 23,500 से फिर से लगता है ये रिट्रेस होने का चांसेस है। और इसके बाद फिर मैंने ऑप्शन चेन को एक बार देख लूँगा।
ऑप्शन चेन में निफ्टी को दिखता है, निफ्टी का पीसीआर रेशियो 1 से थोड़ा सा ऊपर है, 1.003 या 1.005 ऐसा कुछ है। इसका 9000 में इसका सपोर्ट बना है, 9000 में इसका रेजिस्टेंस बना है, इधर लॉन्ग बिल्डअप हुआ है और 9000 का रेजिस्टेंस का लेवल पे पुट साइड में इधर लॉन्ग अनविंडिंग हो रहा है। तो लॉन्ग अनविंडिंग होने का मतलब इसका प्रॉबिलिटी ज़्यादा बनता है कि इस लेवल पे इसका मार्केट अप जाने का प्रॉबिलिटी दिखता है। और 8500 में इसका जो सपोर्ट बना है पुट साइड में, इधर पुट साइड में लॉन्ग शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है और अपोजिट हो रहा है के इधर शॉर्ट कवरिंग हो रहा है, कॉल साइड में शॉर्ट कवरिंग हो रहा है 8500 का लेवल में। तो ये इसका इंडिकेट कर रहा है कि इधर ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी दिख रहा है, क्योंकि जब सपोर्ट में कॉल सपोर्ट में कॉल साइड में शॉर्ट कवरिंग हो रहा है और इधर पुट साइड में शॉर्ट बिल्डअप होता है और रेजिस्टेंस साइड में पुट साइड में लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है और कॉल साइड में लॉन्ग अनविंडिंग हो रहा है, फेस अनविंडिंग हो रहा है पुट साइड में, तो ये इंडिकेट करता है कि मार्केट ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। और बैंक निफ्टी का देखता है एक बार, बैंक निफ्टी थोड़ा सा नीचे दिख रहा है, लेकिन ये निफ्टी को निफ्टी इसको लगता है कि निफ्टी इसको ड्रॉ करके ड्रैग करके ऊपर लेकर जाएगा थोड़ा सा। ये 0.64 का ये पीसीआर रेशियो है, इधर 21000 में इसका ये 21000 में इसका रेजिस्टेंस बना है, इधर शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है और इधर भी शॉर्टिंग हो रहा है, इधर भी शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है पुट साइड में। और 20000 में इसका सपोर्ट बना है रेजिस्टर पुट साइड में, इधर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट, इधर भी शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है और इधर जो है इधर भी शॉर्टिंग हो रहा है, कॉल साइड में भी शॉर्टिंग हो रहा है, लेकिन इधर पुट साइड में थोड़ा सा मकवार कॉल साइड में आईबी भी थोड़ा सा ग्रेटर है, तो ये थोड़ा सा नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है। लेकिन जब निफ्टी में जो थोड़ा सा पॉजिटिविटी आएगा तो इसको भी थोड़ा सा पॉजिटिव देखने को लगे मिलेगा। तो इधर प्रोबेबिलिटी भी ऐसा ही शो कर रहा है 6 दिन का हिसाब से, और जो कॉल इम्प्लाइड वोलेटिलिटी पुट इम्प्लाइड वोलेटिलिटी जो कैलकुलेट करें हो तो निफ्टी का थोड़ा सा अप ट्रेंड दिख रहा है और बैंक निफ्टी का थोड़ा सा डाउन ट्रेंड दिख रहा है। और मैंने लेवल सब लोग को दिखा देता हूँ, तो इधर मैंने पहले निफ्टी बैंक निफ्टी का जो लेवल है मैंने क्यों बोल रहा हूँ कि इधर थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ है, तो मैंने देखे इधर बहुत सारा लेवल्स मैंने वोलेटिलिटी बेस्ड लेवल्स मैंने कैलकुलेट किया हूँ। तो इधर जब आप लोग इधर इस सेक्शन से देखेंगे तो इधर वोलेटिलिटी बेस्ड जो कैलकुलेशन किया हूँ तो इधर बैंक निफ्टी का 8834 का ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिखता है, और इधर और निफ्टी बैंक निफ्टी सॉरी बैंक निफ्टी 509 के ऊपर और निफ्टी 8834 के ऊपर 8889 8934 8979 इसका ये लेवल तक एटलीस्ट इसका आना चाहिए, उसके बाद 9042 ये दोनों का लेवल का अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट जोन है। तो ये दोनों का लेवल का अंदर ये ब्रेक करेगा 9123 इसका 9268 तक मैक्सिमम आ सकता है, उसके बाद 9759 मैंने स्ट्रेच करूँगा तो 9779 तो आ सकता है, लेकिन ये चांसेस बहुत कम है। मेरा जो लगता है कि ये इस लेवल से 9042 8979 से ये फिर से रिट्रेस होकर नीचे आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा ये 9268 तक जा सकता है। और इसका और मैक्सिमम सॉरी ज़्यादा से ज़्यादा ये 9357 तक ये आ सकता है, फिर से ये रिट्रेस होकर नीचे आएगा। इसके बाद मैंने इसका तो मैंने बना है, उसके बाद गन एंगल्स भी देखेंगे तो गन एंगल्स में भी 8745 के ऊपर ही रहा है और इसका क्लोजिंग दिया है, तो इसका 8752 के ऊपर जब जाएगा तो
इसका अभी थोड़ा सा 8776 के ऊपर इसका अच्छा मूवमेंट मिलेगा, और 8842 में इसका बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलेगा। ये लेवल क्रॉस करेगा तो ये 8935 तक ये आ सकता है। और मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन से भी इसका गन एंगल को भी आप लोग देख सकते हैं, गन एंगल का भी थोड़ा सा ऐसा ही लेवल दिख रहा है, 90 डिग्री 8944 है। और इधर जो 315 का जो लेवल होता है, 225 का जो 9163 इसका 180 डिग्री होता है, तो 9166 तक ये आने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिखता है। 8944 से 9166 तक इसका प्रोबेबिलिटी बनता है। और इधर मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन देखे भी मैंने फिबोनाची का लेवल कैलकुलेट किया हूँ, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो इधर देखिए 8530 और 896 के 8530 के ऊपर तो ऑलरेडी है, 8986 के ऊपर भी ये 896 तक तो आ सकता है। इसके बाद 8992 से 69 तक ये आने का चांस प्रोबेबिलिटी दिख रहा है। इसके बाद इधर से थोड़ा हो सकता है, इधर से रिटेस्ट होगा, नहीं तो 9417 नहीं तो इधर से 9725 से ये रिटेस्ट होगा। और इधर आप लोग को और भी कुछ लेवल दिखा देता हूँ। गन एंगल कैलकुलेटर में इसका ये भी सॉरी गन एंगल कैलकुलेटर में आप लोग इसका लेवल तक गन ये मैंने हाई प्राइस का पकड़ के जो कैलकुलेट किया हूँ उसका अप साइड और डाउन साइड दिखाया, लो साइड लो का पकड़ के किया हूँ और पिवट पॉइंट के पकड़ के भी किया हूँ, तो इसका लेवल सब आप लोग नोट कर सकता है। तो इसमें इतना सारा लेवल्स कैलकुलेट करने का देखने का ऑब्जर्व करने का मतलब ये आप लोग को कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन आप लोग जब इकट्ठा करेंगे एक साथ ये सब लेवल देखेंगे तो आप लोग को मॉनिटर करने के लिए बहुत ही सुविधा हो जाएगा। और इसका 360 डिग्री एनालिसिस भी आप लोग देख सकता है, ये फर्स्ट सर्कल में ये कितना दूर तक आ सकता है, ये अप साइड और ये है डाउन साइड। फर्स्ट साइकिल में इसका ये एक्चुअली गन प्रिंसिपल गन एंगल प्रिंसिपल के हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया हूँ। तो और ये इस साइड में ये बैंक निफ्टी है, तो इधर देखिए फर्स्ट साइकिल में इतना ऊपर जा सकता है, सेकंड साइकिल में इतना तक जा सकता है, थर्ड साइकिल में इतना तक जा सकता है फिलहाल, और नीचे जाएगा तो इसका ये लेवल बनता है। तो ट्रेंड जो दिखा रहा है मैंने निफ्टी का चार्ट में जो ट्रेंड दिखता है, तो अभी थोड़ा सा तो रिटेस्ट जरूर हुआ है, इसका कुछ पिवट पॉइंट रेजिस्टेंस ब्रेक किया है, तो मैंने अप ट्रेंड ही पकड़ता हूँ। तो अप ट्रेंड पकड़ के लिए तो इतना ये आप लोग को इतना इस लेवल आप लोग को काम पे आएगा कि कितना दूर तक जा सकता है फिलहाल। और मैंने जो बाई सेल लेवल्स आप लोग को रेगुलर देता हूँ, एक्चुअली मैंने वो अलग करके पोस्ट कर दिया है, लेकिन फिर भी आप लोग को एक बार देता हूँ कि उसमें मैंने साउंड इफेक्ट देने के लिए भूल गया था, तो इसीलिए मैंने इसको फिर से आप लोग को दिखाता हूँ। आप लोग मेरा बाई सेल लेवल कितना देखिए, मैंने तीनों सेट ऑफ बाई लेवल सेल लेवल्स देता हूँ, बाई लेवल सेल लेवल 1, बाई सेल लेवल 2 और बाई सेल लेवल 3। इसमें बहुत सारा स्कीमिंग भी की चीज़ रहता है, सोच लीजिए आप लोग चेंज इन वोलेटिलिटी चेंज इन प्राइस चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देके आप लोग एक स्क्रीनिंग कर सकता है। उसके बाद बहुत सारा इंडिकेटर रहता है, ईएमए का क्रॉसओवर रहता है, तो उसका देख के आप लोग जब स्क्रीनिंग कर लेंगे उसके बाद वेरियस लेवल्स देखें, प्रोबेबिलिटी भी आप लोग इधर से देख सकता है। और ईएमए का क्रॉसओवर बहुत सारा ईएमए का क्रॉसओवर है, बोलिंचर बैंड है, प्राइस चैनल है, इसी में को क्लाउड है और भी बहुत सारा चीज़ है, तो इसमें और भी ईमे का क्रॉस ओवर इधर है, तो ये सब देख के आप लोग इसका ट्रेंड पता कर सकता है। और इधर रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के भी आप लोग को स्ट्रेंड रेजिस्टेंस पता कर सकता है। और इधर बाइसल लेवल स्किनर 2 में मैंने ओनली बाइसल लेवल 2 रखता है, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट का प्रिंसिपल से बना है,
देखिए इधर जो ये जो सबसे सेफेस्ट लेवल है 61.8%, तो इसका लेवल से देखिए अप ट्रेंड में है, लेकिन अप ट्रेंड और भी मतलब अप ट्रेंड का जो एक्सटेंशन है, फिबोनाच का एक्सटेंशन है, वो सबसे ज़्यादा आप कुछ लेवल अप ट्रेंड में है, लेकिन उसका जो आप लोग जब एंट्री ले लेंगे तो उसमें से हो सकता है कि ये उस उधर से नीचे आएगा, लेकिन इस लेवल से आप लोग एंट्री लेंगे तो इसका हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये और भी ऊपर जाएगा, और वो जब रिट्रेस होकर नीचे आएगा तो कैसे बनेगा इसका वो भी आप लोग को इधर से मिलेगा। डाउन ट्रेंड में भी ऐसा है, डाउन ट्रेंड जब रिट्रेस होकर ऊपर जाएगा तो कौन सा लेवल सही रहेगा, और डाउन ट्रेंड जब रिट्रेस होकर और भी नीचे जाएगा तो कौन सा लेवल सही रहेगा, और कौन सा लेवल पर कौन सा है इधर से आप लोग को ये इस मैट्रिक्स से आप लोग को दिख जाएगा कि कौन सा लेवल पर लास्ट ट्रेडेड प्राइस के हिसाब से कौन सा लेवल पर कौन सा है, कौन सा स्टॉक्स कौन सा लेवल पे है, और इधर से आप लोग ट्रेंड भी पकड़ लेंगे। एक बार सोच लीजिए, इधर से आप लोग को ट्रेंड पता किया कि अप ट्रेंड है, तो अप ट्रेंड का आप लोग ओनली अप ट्रेंड का बाय और सेल लेवल देखें, डाउन ट्रेंड होगा तो डाउन ट्रेंड का बाय और सेल लेवल देखेंगे, उस टाइम आप लोग और दूसरा कुछ मत देखेंगे। और इधर देखिए और भी 955 20 30 50 100 ईएमए तक इसका मतलब कैलकुलेट करके रखा हूँ, तो ये सब लेवल्स आप लोग को ये सब चीज़ मिल जाएगा, और बहुत सारा इनसाइड द बार एन आर फोर एन आर सेवन का कैंडल्स बनेगा, इसके बाद इस तरह से बहुत सारा का वाइसल लेवल्स भी आप लोग को मिलेगा। तो ये फाइल आप लोग अडॉप्ट करके आप लोग बहुत आसानी से काम कर सकता है। बहुत सारा आदमी बोलता है कि इसका लेवल नहीं इस मतलब समझ में आता है, तो इधर मेरे को पूछ सकता है कैसे इसको इस्तेमाल करना है, तो मैं बहुत ही क्लियरली मैंने फीडबैक दूंगा। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकता है, उसका लिंक भी यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें मैंने पूरा फाइल शेयर करता हूँ, और इधर पूरा फाइल ही मैंने शेयर करता हूँ, और आप लोग को गाइडेंस भी, मेरा गाइडेंस भी मिलेगा कि कौन सा लेवल पे कौन सा है, कौन सा स्टॉक कहाँ पर है, निफ्टी बैंक निफ्टी और ऑप्शन का हेजिंग स्ट्रेटेजी देके भी मैंने कल देता हूँ। सभी सेगमेंट में कुछ कोई आप लोग को प्रॉब्लम नहीं है, और स्टॉक मार्केट आसानी से आप लोग प्रॉफिट कमा सकता है। तो देखिए इसका बाय सेल लेवल का पहले वन दिखाता हूँ, बाय का एंट्री लेवल बीच में रहता है, टारगेट वन से टारगेट फोर बाएं तरफ, और टारगेट फाइव से लेकर टारगेट एट दाएं तरफ, सेल का भी ऐसा है, और आप लोग को देख लेना है कि कौन सा पोजीशन पे है, उसका हिसाब से आप लोग को ट्रेड लेना है। आप लोग मेरा परफॉर्मेंस वाला वीडियोस देख लिए जी, उधर चार्ट का हिसाब से मैंने दिखा है कि कैसे एंट्री लेना है। ये है बाय सेल लेवल टू, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस हिसाब से आप लोग को ट्रेंड का भी पता चलेगा, कैसे ट्रेंड पता चलेगा आप लोग को देखिए। सोच लीजिए 1099.78 से 1 बीच इसका बीच में है, तो आप लोग पकड़ सकता है इसका ट्रेंड अप है, तो इधर तक जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिखता है। और इधर जब से ये जो 1099 से नीचे जब 1077 तक आएगा तो इसका अंदर रहेगा, तो इसका ट्रेंड डाउन में रहेगा। तो इसके बाद मैंने वाई सेल लेवल 3 दिखाता हूँ। वाई सेल लेवल 3 में बस आर वन का एंट्री लेवल बीच में रहेगा, और एस वन का बाई का एंट्री लेवल है, और एस वन से सेल का एंट्री लेवल है। इधर बस स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट आप लोग कल नोट कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। बोलिंजर बैंड का वैल्यू नोट कर सकता है, प्राइस चैनल का वैल्यू नोट कर सकता है, टीरम लेवल का वैल्यू नोट कर सकता है, जो कि आप लोग को एक एक एंट्री पॉइंट हो सकता है। इसके बाद मैंने गन लेवल्स दिखाऊंगा, गन लेवल्स का जो ये जो है गन एंगल्स का लेवल्स बहुत सॉरी गन डिग्रीज का लेवल रेजिस्टेंस बना, ये रेजिस्टेंस वाला ये अप साइड में मतलब बाई साइड में है, इधर से आप लोग एंट्री ले सकता है, इधर से आप लोग एंट्री ले सकता है, और कोई भी मतलब इसका अंदर कोई भी लेवल पे है तो आप लोग कौन सा लेवल पे आप लोग को देख लेना है। सोच लीजिए 700 या 706 के बीच में है तो आप लोग अप ट्रेंड के लिए देखेंगे, 700 का 693 के बीच में है तो आप लोग डाउन ट्रेंड में देखेंगे, ऐसा कुछ इसमें। और इसको इस्तेमाल करके आप लोग बहुत ही आसानी से स्टॉक मार्केट से काम कर सकता है। और इधर गन स्क्वायर ऑफ 9 का लेवल्स है सपोर्ट रेजिस्टेंस, और इसका ये मुरेस का लेवल्स है, मुरेस लेवल ऐसा है कि सोचिए 722 और 715 का अंदर है, तो ये डाउन ट्रेंड डाउन में जाएगा, और ये आप लोग इसका नीचे देख सकता है, आप 715 का नीचे देख सकता है, नहीं तो 715 तक देख सकता है, नहीं तो 715 का नीचे 709 तक देख सकता है, 722 का ऊपर आप लोग 729 तक देखेंगे,
उसके बाद फिर से आप और भी अपर लेवल से देखेंगे, ऐसे करके आप लोग को देख लेना है। और इधर टाइम भी आप लोग मान लो टाइम प्राइस और टाइम को एक साथ मैच किया हो, तो इधर देखिए जो इधर दो सोच लीजिए 2 घंटा 48 मिनट मतलब सर ये 2 घंटा 50 मिनट का ये जो लास्ट सेशन गया है 3:15 3:30 बजे, उसके बाद जो सेशन आएगा तो सोच लीजिए 2 घंटा बाद 9:15 मतलब 10:11:15, उसके बाद सोच लीजिए 5:12 बजे तक ये इसका रिवर्सल आने का चांस है। ऐसा कुछ आप लोग को इधर ये भी बहुत ही अच्छा काम तरीके से काम करता है, आप लोग भी देख सकते हैं। इसके बाद मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल इधर से दिखाऊंगा। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल्स आप लोग को दिखाऊंगा, मैंने ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। तो इधर उनको साउंड इफेक्ट देने के लिए भूल गया, तो इसीलिए मैंने सोचा कि इधर निफ्टी और बैंक निफ्टी का जब चाहे एनालिसिस करता हूँ उसके साथ एक साथ ही दे देता है फिर से एक बार। तो इधर 22 लेवल 1, ये 22 लेवल 2 और यह 22 लेवल 3। ये स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट भी आप लोग पॉज करके देख सकता है, वीडियो पॉज करके आप लोग देख सकता है। इसके बाद इसका गन एंगल्स, गन स्क्वायर ऑफ लाइन, गन एंगल्स, गन स्क्वायर ऑफ लाइन, ये सब लेवल्स आप लोग देख सकता है। और मुरेस का लेवल्स भी आप लोग देख सकता है, और रिवर्सल कितना टाइम पे बन सकता है वो भी आप लोग इधर से आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। ये आप लोग मैं ऑब्जर्व कर सकता है इधर इसको। सोच लीजिए लास्ट इसका तो इसके बाद 79 मिनट, सोच लीजिए 80 मिनट्स, 80 मिनट्स मतलब मार्केट ओपन होकर 10:15, उसके बाद सोच लीजिए 11:45 10:45 के आसपास या 10:40 के आसपास इसका मतलब बड़ा कुछ मूवमेंट आ सकता है, रिवर्सल उसका आ सकता है। और इधर बैंक निफ्टी का सोच लीजिए 3 आवर 86 मिनट मतलब सोच लीजिए 12:15 12:15 और 86 मिनट और भी मतलब 1:15, उसके बाद सोच लीजिए 1:45 के आसपास इसका बड़ा हुआ 2 बजे इसका मतलब रिवर्सल कुछ आ सकता है। ये मतलब जस्ट एक एंटिसिपेशन है इसका, अब लोग ज़्यादा इसका इस मतलब ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस तो है लेकिन देखना पड़ेगा, ये प्रोबेबिलिस्टिक है, टोटली प्रोबेबिलिस्टिक है, इसका ऐसा चांस रहता है लेकिन जो लेवल्स जो है इसका प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा बनता है, ये आप लोग समझ सकता है। ये देखिए 100 डे मूविंग एवरेज का स्ट्रैटेजी बनाता हूँ, जो 100 डे मूविंग एवरेज का जिस स्टॉक्स का लास्ट डे जिस स्टॉक्स में 100 डे मूविंग एवरेज को काट किया है, 100 डे मूविंग एवरेज जिस स्टॉक्स का काट किया है उसका जब हाई लो ब्रेक करता है तो ये अच्छा मूवमेंट मिलता है। 100 डे मूविंग एवरेज का एक सिग्निफिकेंस रहता है, प्रीवियस रेंज ब्रेकआउट में तो ऐसा ही अच्छा प्रॉफिट मिलता है, एक स्ट्रैटेजी होता है प्रीवियस रेंज ब्रेकआउट। और इसको आप लोग देख लीजिए इधर से डी स्लैब ये जो 2 दिखा रहा है करेला है, तो 100 डे मूविंग एवरेज का जब काट किया है उसका हाई लो जब ब्रेक होता है उस स्टॉक मतलब कैंडल का, तो इसका एक रिवर्सल अपवर्ड आ सकता है, ये बहुत दूर तक आप या डाउन जा सकता है। और इधर मैंने इंसर्ट दबार NR4 NR7 भी दिखा देता हूँ, इंसर्ट दबार NR4 NR7 ये मैंने ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, उससे साउंड इफेक्ट नहीं था इसीलिए मैंने फिर से दिखाता हूँ, ये आप लोग नोट कर सकता है। इधर लोअर हाई लोअर लोस कुछ दिखा था, उसके बाद इधर पॉजिटिव एवर बना था बजाज फिनसर में, सॉरी ये क्या है बजाज फिनसर, और उसके बाद ये और भी कुछ इधर मास्टर लॉन्ग मास्टर शॉर्ट एन केस बुलिश एंगल्पिंग इतना बना है, आप लोग भी कुछ डेली चार्ट में ला के आप लोग खुद चेक कर सकते हैं कौन सा ये सब देख ये बना है। इससे अकाउंट मेरा एक मेरा कुछ एक्सपेरिमेंट करके बना हूँ, 50 लॉन्ग बॉडी कैंडल लॉन्ग बॉडी कैंडल लॉन्ग टेल कैंडल ये सब भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ बना है, बुलिश रिवर्सल मैंने ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, तो इसीलिए ज़्यादा डिटेल्स में दिखाता हूँ।
तकरीबन सिलेबस भी आप लोग को दिखा दिया था लास्ट फाइल में, मतलब लास्ट वीडियो में, तो ये उसमें साउंड इफेक्ट नहीं है, जस्ट इसको इसीलिए मैंने आप लोग को फिर से दिखाता हूँ। तो इसीलिए डायरेक्ट डिटेल्स में नहीं जाता है, मैंने ये जो मैंने इसका मैंने देखिए फिबोनाची का लेवल्स मैंने 1 ईयर का हिसाब से, 30 डेज का हिसाब से, 15 डेज का हिसाब से, 7 डेज, 3 डेज, 2 डेज का हिसाब से बनाया है। तो जब भी कुछ सोच लीजिए 15 डेज का हिसाब से कुछ लेवल का लेवल आप लोग को मिलता है, तो इसका मतलब होता है कि ये अच्छा मूवमेंट देता है। जब 15 डेज या 30 डेज का फिबोनाची का लेवल ब्रेक होता है तो ये अच्छा मूवमेंट मिलता है। और ये देखिए इसके बाद मैंने वोलेटिलिटी बेस्ड बना है, एक्चुअली ये स्टॉक्स में लिखा, लेकिन इसमें कमोडिटी निफ्टी बैंक निफ्टी सभी को इसमें इनक्लूड किया है। ये भी आप लोग देख सकता है, कमोडिटी का भी देख सकता है, निफ्टी बैंक निफ्टी का भी लेवल देख सकता है। और ये जो गन का लेवल है वो भी आप लोग देख सकते हैं, ये भी वोलेटिलिटी बेस्ड है। ये R1, R2, R3 इसका मतलब बाई का एंट्री लेवल है, S1, S2, S3 इसका सिंपल लेवल है। मैंने मेनली बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी को ही दिखा देता हूँ। और जो लोग को मतलब बाई सेल लेवल्स मिलता है फाइल, वो लोग ये है वोलेटिलिटी बेस्ड गन डिग्री बेस्ड कैलकुलेशन। इसके बाद मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन देख के फिबोनाची और फिबोनाची और फिबोनाची का लेवल मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन देख के भी ऑलरेडी बनाया हूँ। तो ये सब लेवल कुछ लोग बोलते हैं कि फाइल नहीं यूज़ करो, लेकिन सभी में यूज़ कर सकता है कि नहीं यूज़ कर सकता है, मेरे को पूछ सकता है, कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप लोग देख सकता है। तो सभी लेवल आप लोग को इतना सारा लेवल्स दिखाता हूँ, सभी लेवल्स आप लोग एक साथ मोनिटर करेंगे तो आप लोग को मतलब एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि ये कौन सा लेवल पे कौन सा रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, तो उसी के हिसाब से आप लोग आसानी से ट्रेड ले सकता है और मेरे को पूछ सकता है कौन सा गाइडेंस में। इतना अच्छा चीज़ आप लोग को मिल जाएगा, लेकिन आप लोग थोड़ा सा मेरा आप लोग जब समझ नहीं पाएंगे तो मेरे को पूछ सकता है। तो ठीक है, नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। अभी वीडियो अभी ख़त्म करता हूँ मैंने।